तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में यहां पे देखा था अपनी जो फॉक्स के मिलने आता है, जो बड़ी वाली फॉक्स है ना, वो डायरेक्ट आके गले लगा लेती कि मास्टर आप ठीक हो ना यार। सामने से ये भी कहते स्मिटी को अपनी स्नेक लेडी को जलन होता, वो कहती भाई शर्म वरम नहीं आती इसको, आस पास हम बंदे लोग उनको ऊपर देखने को नहीं होता। सामने से बड़े प्यार से कहती कि अरे यार क्या हमको रास्ते में अजीब सूरत यहाँ पे मिली, उसने हमको किडनैप यहाँ पे कर लिया और हमको ब्लैकमेल यहाँ पे किया कि मैं तुमको ब्लड यहाँ पे देती हूँ, ब्लड यहाँ पे यूज़ करो वरना वो मार मार के आपकी जान यहाँ पे निकाल लेगी। तो जाके हमने ब्लड उसका यूज कर लिया, ब्लड यूज करने के बाद ना हम देखो इतनी ज्यादा चेंज यहाँ पर हो चुकी है। अगर आपको कोई एतराज यहाँ पर है ना, हम अपना कल्टिवेशन भी छोड़ने को तैयार है। देखो भैया फॉक्स वाले यहाँ पर थे, फॉक्स ऐसा होता ना वो सुंदर लड़की बन के लोगों को पटाने में अपना चार्मिंग स्किल दिखा कर ना उनको अपने प्यार में गिरा देते हैं। और जैसे भाई इनको ब्लड लाइन मिला था ना, इनका भी वो स्किल एक्टिवेट हो चुका था और नया नया मिला तो बेचारे कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ ज्यादा चार्मिंग स्किल उसकी बॉडी से ऑटोमेटिक रिलीज होता है तो हमारा मेक कटा भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसके सर पर टपली मार के उसको दूर करता है, कहता है बाप रे मेल लीडर हूं मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो सेट के बाकी डिसिपल कैसे कंट्रोल करेंगे। स्नेक लेडी और सीनियर कहती है यार चल क्या रहा है यहाँ पर, बताओ ना ये बताना चालू करता है। याद है मैंने कहा था वांगटों की माँ है, उसका ब्लड यहाँ पे दिलाऊंगा, ये वांगटों की माँ जो ब्लड है ना ये ब्लड उन्होंने यहाँ पे दिया था जिससे इनका विकास यहाँ पर हो गया। वो जो माँ यहाँ पे थी वांगटों की वो भी कहती भाई फॉक्स से बड़ी कमाल की थी भाई, मैंने उससे जितना हो सका मैंने उतना किया, आगे से कल्टीवेशन करना, जैसे तुम बड़ी होगी जैसे और अच्छे से कल्टीवेशन करोगे ना ऑटोमेटिक चार्मिंग स्किल बहुत ही अच्छे से यूज कर पाओगी। हमारा लू भाई उन सारी फोर्सेस से ये कहता है सुनो ये जो है ना भाई तुम्हारी दादी माँ यहाँ पे लगेगी, तो भाई दादी माँ को शुक्रिया बोलो कि दादी माँ ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। वांगटोंग भी लाइक दादी माँ, इन शॉर्ट भाई मेरी माँ को बुढ़िया यहाँ पे बोला जा रहा है, मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पांचों कहते भी है कि थैंक यू दादी माँ। हमारा वांगटोंग और हिल जाता है कि अरे यार नहीं यार नहीं पसंद कोई उनको ऐसा दादी माँ यानी बूढ़ी माँ ने, मेरी माँ पक्का यहाँ पे गुस्सा करी। गुस्सा तो मनी मन बहुत ही आ रहा था लेकिन मुँह पे प्यारा समूह बनाती कहती ले 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 यार मुझे इतनी प्यारी यहाँ पे पोती मिल गई मजा आ गया। लेकिन बेचारा वांगटोंग उसका से जो जो से चूटी काट रही थी उसको भी रोना आ जाता है कि मम्मी गुस्सा रहा तो गुस्सा उन पे निकालो यार, मुझ पे चूटी काट के मेरे पे काहे को गुस्सा निकाल रही हो। फिर जो अपनी बाईजी ने ना वो आगे आती है, वो कहती है हेलो सीनियर यार अब मैंने देखा आपको, अब मैंने पहचाना, बेचारी पांचों के लिए आपको अपना ब्लड यहाँ पे देना पड़ा, आपका नुकसान हो गया तो थोड़ा माफी मांग लेती हूँ मैं। जो सुंदर ये भी कहती इसमें माफी मांगने की क्या बात है, थोड़ा सा तो ब्लड यहाँ पे था, कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है, और रही बात ब्लड का जो बदला है ना अपने दोनों बेटों से निकाल लूंगी। हमारा लू भाई भी लाइक बदला कैसा बदला निकालने के बारे में कह रही है यार। वो सामने से कहती मेरी अम्मी जान ऐसी यहाँ पर है, मैं उनका अपना बेटा यहाँ पर हूँ भाई, मेरे को तो भरदम उन्होंने मारा है, तू भाई गोद लिया हुआ बेटा यहाँ पर है, सोच तेरी क्या हालत होगी। ये भी कहता अच्छा बेटा बनने पे ऐसा होता है, तूने मुझे पहले कहीं को नहीं बताया। वो कहते मैंने तुझे पहले कई बार बताया कि माँ बड़ी गुस्सा करती हो, बात बात में मारती रहती है, तेरे सामने भी तुझे मारा अब तेरा भी यही होगा। लू भाई कहता है कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। फिर अपनी बाई जी इनको पहचानती भी है, वो कहती बाई जी ना लिंग शेयर सेट के तू मेंबर है ना, मुझे याद है मुझे, वहाँ के जो लीडर की बीबी है ना तो उसकी डिसाइपल भी है ना। ये भी कहती है अरे वाह यार आप मुझे जानती भी हो, जान के अच्छा लगा। माँ कहती कि हाँ मैं तुझे जानती भी हूँ और एक छोटा सा एडवाइस यहाँ पे देना चाहूंगी कि आगे चल के काफी सारे ऐसे कांड होंगे जिसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा लेकिन तो भी तू बीच में उंगली करने जाओगे, तो ये एडवाइस है कि भाई उंगली बिल्कुल भी मत करना। ये भी कहती मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ जो दूसरों के कांड में उंगली यहाँ पे करूंगी, लेकिन अगर ये कांड मेरे लू भाई का यहाँ पे रहा ना तब तो उसमें पाका उंगली यहाँ पे करूंगी। तो ये भी कहती है कि वाह यार मेरे लू भाई का कांड यहाँ पे रहा तो भाई लू भाई तुम्हारा तुम लू भाई की मजा आ गया। ये भी कहता है कि हाँ लेकिन तो भी अभी हमारे बीच में उतना भी ज्यादा गहरा, ये भी कहती है कम ऑन यार बहुत ही गहरा चीज हो चुका रहेगा, तू बस छुपा भी दियो या छुपाने के नहीं बिंदास खुल के यहाँ पे बातचीत करने का। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। अपनी स्नेक लेडी को जलन होता है कि वाह इसने भाई लू भाई को अपना बेटा बना लिया, यानी लू भाई मतलब भाई जी इनको यानी सीनियर को अपनी बहू जैसी मान रही है, यानी बहू और सास का रिलेशन यहाँ पे चालू हो गया और कि मैं जो बस दूर से बैठ के तमाशा देखे जा रही हूँ। और दूसरी ये पांचों बहनें एक टाइम यहाँ पे थी जब ये पांचों छोटी मोटी सी फॉक्स यहाँ पे थी, यहाँ वहाँ खाना चोरी करके अपनी जिंदगी यहाँ पे काटती थी, आज देखो भाई इतनी कमाल का फॉक्स का ब्लड इनको मिल गया, कितनी कमाल की बन चुकी है, आगे चल के और भी कमाल की बनेगी। लू भाई तो था ही पहले से, उसकी सीनियर भी सपोर्ट के लिए यार उसने अपना बेटा भी बना लिया, यानी वो भी बड़ा आगे चल गया कि मैं यार मैं जैसे थी ना पहले आज यू ऐसी यहाँ पर हूँ, तो भाई मेरी जिंदगी तो एकदम झंड थी झंडे और झंडी शायद रहेगी, तो बड़ी सैड यहाँ पे हो जाती है। तो लू भाई भी नोटिस करता है भाई क्या हो गया, बड़ी सैड लग रही है, खुशी का माहौल है उनको भी खुश होना चाहिए ना। तभी पीछे से कहती है माँ की ओके ठीक है बेटे सुनो मेरी बात, ये भी कहता बोलिए। वो बताती भाई मैं ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे रुक नहीं सकती, मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए वरना ज़्यादा लोग देखेंगे भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, तुम्हारे बारे में भी अजीब अजीब सी बातें यहाँ पे बनाएंगे, बस जो केस के बारे में मैंने कहा था ना वो केस यहाँ पे पूरा कर देना। तो ये भी कहता है यार अम्मी जान वो केस ना पक्का यहाँ पे पूरा कर दूंगा। तो वो भी कहती है बाय बाय। ये वांगटोंग भी कहता है ओके ठीक है बाय, तो भाई ख्याल रखना आप सभी का बाय, इतना बोल के निकल जाते। हमारी सारी फॉक्सेस भी कहती है दादी माँ है बाय बाय अंकल बाय बाय, और भाई उसकी माँ भाई मैं क्या बताऊँ वांगटोंग लिटल ये ना भाई ये जहाज बना के उस पर बैठ के उड़ रही थी
और कहती है जल्दी जल्दी से उड़ो यार, मजा नहीं आ रहा तेरे में, पहले जैसा दम नहीं है। ये भी कहता व्हाट डू मीन भाई, पहले जैसा दम यहाँ पे नहीं है। वो कहती भाई क्योंकि तू पहले जैसा तेज यहाँ पे नहीं है। बेटा कहता भाई आप ही मोटी हो चुकी हो। तो ये भी कहती मोटी, तू अपनी माँ को मोटी कह रहा है, रुक या तुझे मारी डालती हूँ। वांग टोंग मतलब वो लू भाई मेरा नया बेटा बन गया ना। वो भी कहता समझ करो उड़ा रहा हूँ मैं आपको। और माँ वहाँ पे जाने से पहले ऐसा एक बार देखती है पीछे, मन ही मन सोचती भाई मैंने उसको अपना बेटा बना लिया, आई डोंट नो बेटा बनने के बाद वो मुझे क्या क्या फायदा यहाँ पे दे सकता है। लू भाई भी देखते चली गई, अरे यार केस मुझे देखे चली गई, जब तक केस सॉल्व नहीं करूंगा जब तक मेरा कुछ फायदा भी नहीं हो सकता। डोंट वरी जो केस है ना केस पे मैं पूरा ध्यान यहाँ पे दूंगा। तो सामने से क्या ना भाई जो फॉक्स यहाँ पे थी यानी अपनी सीनियर से कहते सीनियर सुनो ना यार छोटा सा क्या मुझे हेल्प करोगी। वो भी कहती है कर दूंगी, बोलो क्या है। ये कहते छोटा सा केस मुझे मिला है, वो सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता अब सेट में रहकर सेट का ध्यान यहाँ पे रखोगी। तो फॉक्स से बहने आके चिपक जाती हूँ, कहती क्या मास्टर आप यहाँ से जा रहे हो, ऐसा ना करो यार हमको छोड़ के यहाँ पे मत जाओ प्लीज। हमारा मैं कटा कहता सीनियर हाँ ये भली बड़ी हो गई है, भली इंसान बन चुकी है, भली ब्लड मिल चुका है, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला है, तो हो सकता है दूसरे लोग इसको परेशान यहाँ पे करे, तो इनको परेशान ना कर पाए इसके लिए प्लीज इनका भी ध्यान रखना। वो कहती वैसे तो मेरा वापस जाने का प्लान था अपने सेट में, लेकिन तुमने कह ही दिया तो मैं अपने सेट में बाद में जाऊंगी और तुम्हारे सेट का ध्यान यहाँ पे रखूंगी। और एक बड़ी कमाल की बात यार, आई नो जो स्नेक लेडी है ना तुम अपने साथ लेके जाओगे ना। ये भी हिल जाता है कि हाँ मैं अपने साथ ले जाने के बारे में सोच तो रहता हूँ, इनको तो मालूम यहाँ पे चल गया, इसलिए कहते यस मैं उनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो ये भी कहते लेके जाओ यार, मैंने अभी अभी देखा था काफी सैड यहाँ पे लग रही थी, अपने साथ बाहर लेके जाओगे, वो भी घूमेगी फिरेगी एडवेंचर करेगी, अगर उसका फायदा हो जाएगा तो वो भी बड़ी खुश हो जाएगी। अपना लू भाई कहता लेकिन आपको कोई ऐतराज नहीं है कि उनके साथ अकेले मैं कहीं बाहर जाऊंगा। ये कहती मुझे क्या ऐतराज होगा, अच्छी लड़की यहाँ पर है, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी प्रोटेक्शन वोटेक्शन यहाँ पे करेगी, तो भाई मैं तो खुश रहूंगी ना। तो ये भी कहता रहे सीनियर आप, अरे आप, अरे आप। वो भी कहती अरे आप क्या कर रही हो, जाके मिलो और जाने से पहले अपने सिक्योरिटी से पहले उनको भी बता देना कि मैं कुछ काम के लिए बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ, वरना उनको ऐसा लगेगा कि तुम उनको छोड़ के जा चुके हो। तो प्लीज जाओ जल्दी से जाके स्नेक लेडी से मिलो। ये खुश हो जाता है कि अरे बाप रे कितनी अच्छी है भाई, सुंदर भी है, स्ट्रांग भी है, दिल की भी उतनी ज्यादा अच्छी है, और कितनी अंडरस्टैंडिंग लड़की है यार। ये दुनिया में आती मुझे स्टार्टिंग में रोना आ रहा था, लेकिन इनके मिलने के बाद ना अब मुझे खुशी हो रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।